हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स पैरामीटर प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कहने का मतलब यह है कि ट्रायंगल हमारा जिसकी साइड दे रखी हमें 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, दो साइड तो दे दी, तीसरी साइड हमारी मिसिंग है, मालूम नहीं है। तीसरी साइड बतानी है किन दो मेजरमेंट यूनिट के बीच में होगी, मतलब यानी कि जैसे मान लो 10 और 20 हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम, कुछ भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि वो दो नंबर बताने हैं जिनके बीच में मेरी थर्ड वैल्यू लाई करेगी। ये है हमारा सवाल। तो मैंने मान लिया लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एक्स मान लिया, ठीक है, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई सी भी दो साइड ले लो, अभी इसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो यहाँ मैंने लिया, हमारे पास तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी प्लस बी सी, इन दो का जोड़ बड़ा होगा किससे, ए सी से। पहली कंडीशन, पहले मैंने ए बी और बी सी लिया है, अब हम लेंगे ए बी और ए सी, बड़ा होगा किससे, बी सी से। तीसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी ए सी प्लस बी सी, बड़ा होगा किससे, ए बी से। ये तीन कंडीशन है, ए बी हमें कितना दे रखा है एक्स, बी सी हमें दे रखा है 12, बड़ा होगा किससे, ए सी यानी कि 15 से। ए बी एक्स है, ए सी 15 है, बड़ा होगा किससे, 12 से। फिर ए सी 15, बी सी हमें दे रखा है 12, बड़ा होगा ए बी यानी एक्स से, ठीक। तीसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। देखो पॉजिटिव का 12 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, तो यहाँ पे कितना है मेरा 3 निकल के आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, पॉजिटिव का 15 दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, 12 में से 15 गए, 3 बचा, बड़ा कौन है दोनों में से, माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। देखो ट्रायंगल की साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये वाली कंडीशन तो प्रूव ट्रू हो ही नहीं सकती। ये तो एक बार के लिए ट्रू हो जाएगी, बट ये वाली ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। दोनों को जोड़ा 27 एक्स लिख लिया। पहले मैंने स्टेटमेंट को लिखा यहाँ पे 27 ग्रेटर देन है किससे, एक्स से। लिखने के बाद इसको मैंने हाइड कर लिया, फिर एक खाली एक्स को रहने दिया। यहाँ पर एक्स की तरफ मुँह खुला हुआ है, खोल दिया, यहाँ लिखा 3 मैंने, यानी जो एक्स है मेरी, एक्स को किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, जो 3 सेंटीमीटर से डेफिनेटली बड़ा होगा, बट 27 सेंटीमीटर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 3 सेंटीमीटर से बड़ा बट 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 27 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।